आप देख रहे हैं टी न्यूज उत्तर प्रदेश, द नेटवर्क ऑफ टेक्नोलॉजी वर्ल्ड। नमस्कार, अभी हम आए हुए हैं नॉर्थ इंडियन स्कूल में जो कि खजूरी में है, और यहाँ पे एक आयोजन किया जा रहा है अंधविश्वास के विरुद्ध वैज्ञानिक जागरूकता का, जो कि गोरखपुर के जिला विज्ञान क्लब क्षेत्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी केंद्र के द्वारा किया जा रहा है। और यहाँ पे कई ऐसे प्रयोग दिखाए गए हैं जो कि अंधविश्वास को झुठलाते हैं, दूर करते हैं। और यहाँ पे लगभग बहुत सारे बच्चों ने सीखा कि जो भी दिखाते हैं, पापा लोग दिखाते हैं या फिर तांत्रिक लोग दिखाते हैं, वो कहीं ना कहीं साइंस होता है। और जितने भी वीडियो वायरल हो रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं साइंस का प्रयोग किया जाता है। तो अभी आपने जो भी वीडियो में देखा उसको इसमें साइंस है, तो कृपया आपसे अनुरोध है कि ऐसे तंत्र मंत्र के चक्कर में ना पड़े। धन्यवाद। सुसंगठित ज्ञान को ही कहते हैं। विज्ञान के लिए जरूरी होता है कि वो करके देखे। पहले हम लोग पढ़ते थे तो पढ़ाया जाता था विज्ञान आओ करके सीखे। विज्ञान वो चीज है जिसको करके देख लेना और सैद्धांतिक रूप से सिद्ध कर लेना, तब माना जाता है कि विज्ञान है। विज्ञान की कई शाखाएं हैं, बहुत ब्रांचें हैं। जैसे एक बाप के कई बजट सब कई विषय शामिल हैं, कई शाखाएं हैं उनकी। उसी में से एक शाखा है खगोल विज्ञान की। खगोल विज्ञान जानते हो किसे कहते हैं? ये पानी है, मैं इसे चेक भी कर देता हूं कि आप लोगों को यकीन हो जाए कि ये वास्तव में पानी ही है जो हम पीते हैं। ओजोन है, पानी है, और इसमें हम वीडियो के रिकॉर्डिंग मिलाते हैं चीनी। ये चीनी है, इसे भी हम टेस्ट करते होते हैं, देखते हैं। चाहे तो कोई बच्चा आ जाए वो भी टेस्ट कर सकता है। कोई भी आ जाए टेस्ट करने के लिए, कोई नहीं आ रहा तो मैं खुद ही टेस्ट कर लेता हूँ। डरिए मत, कुछ होने वाला नहीं है। इससे डालते हैं थोड़ी सी मात्रा चीनी को, अभी से हम करते हैं मिक्स चीनी धीरे धीरे, इसमें डिजॉल्व हो गई, मिक्स हो गई। अब हम इसमें डालते हैं नमक जो हम खाने में यूज करते हैं। ज्यादा नमक खाने से क्या होता है कोई बताएगा? बीपी हाई होता है। इसलिए हम ज्यादा तो नहीं टेस्ट करेंगे, इसे हल्का सा टेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि कहीं बीपी हाई हो गया तब आप लोगों को अंधविश्वास से दूर करने से पहले हॉस्पिटल पहुंचना पड़ेगा। ये देखिए नमक है, अब इसे हम टेस्ट करते हैं। वास्तव में नमक है। अब इसके बाद हम इस नमक को मिलाते हैं पानी में। और नमक डालते हैं वीडियो के अकॉर्डिंग, हम उसमें भी मंत्र नहीं था, उसमें मंत्र पढ़ेंगे। मंत्र कौन सा? आगरे का डागरा गिरी छू। चाहे तो आप लोग भी पढ़ सकते हैं,
आप लोग करेंगे तो यही काम करेगा। पढ़िए बोलिए आगरा का डागरा दिल्ली छू। नमस्कार सर, आज जो अंधविश्वास के विरुद्ध ये जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है द नॉर्थ इंडियन स्कूल में, सर आपने कुछ यहाँ पे देखा, कार्यक्रम देखा तो सर कैसा लगा और क्या सर संदेश देना चाहते हैं सर? आज जो ये द नॉर्थ इंडिया स्कूल में ये कार्यक्रम अंधविश्वास के खिलाफ जो वैज्ञानिक जो आप लोग अभी दिखा रहे थे, ये बड़ा सराहनीय कार्य है और मैं इसके लिए आप लोगों को और जो वैज्ञानिक अधिकारी श्री हम लोग के बीच में महादेव पांडे जी हैं, मैं इनको भी बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देना चाहूँगा। मैं स्कूल के डायरेक्टर विजय यादव जी को भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने अपने प्रांगण में इतना शानदार कार्यक्रम करा रहे हैं। ये आज के आज के दौर में ये बहुत ही अच्छा काम है कि हम आने वाली अपनी आने वाली पीढ़ियों को मतलब वैज्ञानिक के जो वैज्ञानिक कारण है इनके बारे में बच्चों को बताया जाए, ताकि ये बच्चे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जो अंधविश्वास में ये उसे करना नहीं चाहते हैं, बल्कि रास्ता जो प्रगति का प्रशस्ति का जो रास्ता है उसी से खुलता है। जो एक अंधविश्वास के चक्कर में बच्चे उस चीज़ तक मतलब अपने आप को ले कर नहीं जा पाते हैं, पूरी ज़िंदगी अपने आप को रोक के रखते हैं, और ये हमारे देश का एक दुर्भाग्य है कि आज भी हम लोग जो है इस अंधविश्वास के चक्कर में बहुत ही बुरी तरह जकड़े हुए हैं। तो मैं ये चाहूँगा कि ये बहुत अच्छा पहल है कि ये एक स्कूल से इसकी शुरुआत की गई, क्योंकि मेरा मानना है अगर किसी देश में कोई बड़ा परिवर्तन लाना है आपको तो वो स्कूल से ही आ सकता है, और ये बहुत ही अच्छी जगह महादेव पांडे जी ने चुना है, और ये निश्चित मतलब अगर इस तरह से कार्यक्रम अगर चलाया जाएगा तो कहीं ना कहीं मतलब इसमें हम लोग को आगे चल के इसमें सफलता दिखेगी। ये बहुत लंबी सोच है, आज की नई बात है, ये हमारे आने वाली पीढ़ियों में दिखेगा और ये बहुत ही सराहनीय काम है। मैं इसकी बहुत ही भांति-भांति मतलब उसका स्वागत करता हूँ। अभी हमारे बगल में बैठे हुए श्री महादेव पांडे सर जो कि वैज्ञानिक अधिकारी हैं गोरखपुर के, और ये हर जगह हर जिले में विज्ञान को कैसे रुचि बनाया जाए कैंप लगवाते हैं, बच्चों में जागरूकता का अभियान चलवाते हैं। सर यहाँ पे आपने जो एक नया लगाया है कि अंधविश्वास को कैसे दूर करवाया जाए, तो सर ये सोच कैसे सर आया कि ये चीजें करवाई? अंधविश्वास को खत्म करना, विज्ञान को वैज्ञानिक तरीके से प्रस्तुत करके अंधविश्वास खत्म किया जा सकता है, और ये मेरी सोच थी कि ग्रामीण क्षेत्र में इसको करवाया जाए, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में आजकल जैसे देखे होंगे कि अंधविश्वास से मंत्र के द्वारा लोग सिद्धि करते हैं, नहीं तो लोगों की अब बलि चढ़ा देते हैं, लोगों की बल चढ़ा करके कहते हैं कि ये आपकी सिद्धि हो जाएगी, और वो बाबा ढोंगी के चक्कर में लोग फंस करके मौतें हो रही हैं, जान लोग दिए जा रहे हैं। इसलिए अंधविश्वास के प्रति हम जागरूक कर रहे हैं लोगों को कि वो ऐसे ढोंगी बाबाओं के चक्कर में ना पड़े। ये विज्ञान प्रौद्योगिकी परिषद की एक पहल है जो हमारे क्षेत्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी केंद्र के द्वारा किया जा रहा है। अंधविश्वास के प्रति जो सोच है लोगों की उसको बदली जा रही है और कुरीतियों को ही खत्म करने का काम किया जा रहा है। हम तो यहाँ तक कि हमारे यहाँ नशशाला है, नशशाला में भी हम सूरज और चंद्रमा को वास्तविक रूप में दिखा करके चाहते हैं कि ये राहु केतु के द्वारा ग्रसित ना माना जाए। ये एक तरह का वैज्ञानिक तरीका है, जो पृथ्वी इसको ढक लेती है तो ग्रहण होते हैं, ये तरीके से समझाते हैं, और वैज्ञानिक तरीके से सरल तरीके से समझाने के लिए हम कुछ विशेषज्ञों के माध्यम से इसको दिखा रहे हैं और प्रयोगात्मक ढंग से समझा रहे हैं कि विज्ञान वास्तव में विज्ञान एक अच्छी पहल है जो अंधविश्वास को खत्म कर सकती है। वैज्ञानिक तरीके से सोचा जाए तो अंधविश्वास जैसी कोई चीज नहीं है। जैसा कि सर ने बताया कि जादू नहीं विज्ञानी होता है, तो अभी आप सभी लोग को जरूरत है कि जागरूक बनने के लिए ऐसे तंत्र मंत्र के चक्कर में ना पड़े, साधुओं के चक्कर में ना पड़े, और आप जागरूक बनिए और लोगों को भी जागरूक बनाइए। धन्यवाद। जो आज ये सारे प्रयोग देखे विज्ञान बहुत बढ़िया रहा, हमारे जो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ विज्ञान क्षेत्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी
वीर बहादुर सिंह नशाशाला के द्वारा अंधविश्वास के विरुद्ध वैज्ञानिक जागरूकता कार्यक्रम के द्वारा बच्चों में ये संदेश दिया जा रहा है कि जो जो अंधविश्वास है, रूढ़िवादिता है, उसको खत्म किया जाए और विज्ञान, अंधविश्वास में भी विज्ञान छिपा रहता है, उसको बताया जाए, एक्सप्लेन किया जाए तमाम मॉडल्स के द्वारा। आज जैसा कि यहाँ पर प्रोग्राम चल रहा है अंधविश्वास के विरुद्ध वैज्ञानिक जन जागरूकता उत्पन्न करना, तो ये यहाँ पर है जैसे कि बहुत सारे प्रयोग होते हैं, जैसे कि अगर बिल्ली रास्ता काट जाए तो नहीं जाना चाहिए, तो उसके पीछे का विज्ञान क्या है ये भी जानना चाहिए, क्यों नहीं जाना चाहिए। जैसे कि टेप्टिकम नाम की प्लेट होती है, उसकी बिल्ली की आँख पर बनी हुई होती है, उस पर जब जैसे कि लाइट वगैरह पड़ती है तो वो एक ग्लेयर छोड़ती है, चमक जैसी छोड़ती है, तो इस सारी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो उनके पीछे की जो रहस्य है, साइंस है, उसको जानेंगे तो उससे अंधविश्वासों से पर्दा उठेगा। और कहीं ना कहीं देखिए विश्वास और अंधविश्वास के बीच में मैं कहना चाहूँगा कि एक बहुत छोटी या बारीक या पतली फाइन लाइन होती है, जिसको समझ पाना जो है वो इतना आसान भी नहीं होता है, लेकिन हाँ विश्वास से ही अंधविश्वास का जन्म होता है। अगर आप किसी पर विश्वास नहीं करेंगे तो अंधविश्वास कहाँ से आएगा। लेकिन हाँ अंधविश्वास का मतलब जैसे कि अंधे होकर के आंखें बंद करके विश्वास ना कर लेना, चीज़ों को जानना परखना, क्वेश्चन क्रिएट करना, व्हाई व्हाट व्हेन, कब क्यों कहाँ कैसे, तो आपको खुद पता पड़ जाएगी कौन सी चीज़ विश्वास लायक है, कौन सी चीज़ अंधविश्वास लायक है। बाकी आज के दौर में बर्ड साइंटिफिक कम्युनिटी है, ये विश्व वैज्ञानिक समुदाय है, ये हमारे और आप जैसे और तमाम जो एक्सपर्ट्स हैं विज्ञान के, वो इन सारी चीज़ों पर बड़े बारीकी से प्रकाश डालने का कार्य करते हैं, और जो है हमारे समाज में जो है अब लोग अंधविश्वास से दूर जा रहे हैं। और देखिए सर, इस समय जो है और इस समय थोड़ा सा कम, लेकिन पुराने समय बहुत ज़्यादा अंधविश्वास जो है फैला हुआ था, जैसे कि बाबा लोग बराबर बिना माचिस के आग जलाना, मंत्र से जो है अग्निदेव को प्रकट करना, पर बहुत सारे तमाम जादू दिखाकर लोगों को ठगते थे। हम लोग का क्या काम है कि हम लोग उसी को साइंस के जो है साइंस से जोड़कर उसी को दिखाते हैं कि आखिर वो कौन सा केमिकल यूज करते हैं और किस तरह से हम अंधविश्वास को दूर करें। हमने ये सीखा कि हमें अंधविश्वास पर भरोसा नहीं करना, जो ट्रिक दिखाते हैं इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर वीडियो बनाते हैं, हमें उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। हम लोग सीखे हैं कि अंधविश्वास नहीं करना चाहिए, यही बताए कि अंधविश्वास को नहीं मानना चाहिए। सर सिरिंजी से जब पानी का प्रेशर दूसरे सिरिंजी पड़ेगा, प्रेशर ऊपर जाएगा, उसके बाद सर जब पानी का प्रेशर आएगा तो ये सर नीचे। माई नेम इज आयुष कुमार, आई स्टडी इन क्लास फिफ्थ, माई स्कूल नेम इज द नॉर्थ इंडिया स्कूल। अनिकेत भाई, माय नेम इज आर्यन, आई रीड इन क्लास एट, आई एम दिस इज डे एंड नाइट रोटेशन रिवोल्यूशन एंड क्लॉक वाइज रिवोल्यूशन। माय नेम इज संजीव यादव, आई रीड इन क्लास एट, माय स्कूल नेम इज द नॉर्थ इंडिया स्कूल, अर्थ एंड मून रोटेट इन सन। तालियां बजाइए। साइंस से नहीं है इसके बाद भी सर। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। और सेकंड पोजीशन गया है सिद्धि पांडे। और थर्ड पोजीशन गया है लवकुश प्रजापति को। आजा भाई आजा, सर दोनों संयुक्त वाले। अब मैं प्रबंधक जी से अनुरोध करना चाहूँगा कि वे इन बच्चों को, प्रिंसिपल मैम को कि सम्मानित करें, इनको मोमेंटो देकर सम्मानित किया जाए, इनको सर्टिफिकेट दे करके। अभी और भी प्रोग्राम इसके बाद हाँ। सब बच्चों का प्रथम पुरस्कार जाएगा निशा मौर्या को। फोटो बढ़िया से। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।